नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से मैं खुशी प्रवीण पारिक आपका इस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज के इस विलक्षण और बेहतरीन समारोह को मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही इस समारोह के हेतु और माध्यम जन सरोकार मंच टोंक और देवेंद्र जी जोशी सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। जो भी कला प्रेमी और हिंदी कविता के प्रशंसक साथियों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि अगले आधे घंटे तक वो मुझे अपनी पूर्ण सहभागिता दें और कमेंट्स में उन्मुक्त रहें। मेरे पहले काव्य पाठ में मैं खुद से ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी से मिलने वाली जो प्रशंसा है, जो आलोचना है, उसको मैं सहजता से स्वीकार कर पाऊं और साथ ही भविष्य में आपके साथ नई रचनाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हो सकूं। मेरी आज की जो पहली रचना है वो इंसान की प्रकृति को लेकर है। जिस प्रकार का गौरवशाली इतिहास हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, क्या आज हम उस इतिहास के साथ न्याय कर पा रहे हैं या समय के साथ हमने उन सब प्रवृत्तियों को, प्रकृति को, संस्कारों को, हमारे पूर्वजों से मिले हुए हमारे सिद्धांतों को हमने खो दिया है। आशीर्वाद दें। मेरी जो आज की पहली रचना है, आशीर्वाद दें, पहला काव्य पाठ है मेरा कि अब के इंसान वो इंसान नहीं, अब के इंसान वो इंसान नहीं जो बाधाओं को झेला करता था, अब के इंसान वो इंसान नहीं जो बाधाओं को झेला करता था, करके मुश्किलों का सामना, करके मुश्किलों का सामना अपनी राहें बना लिया करता था, करके मुश्किलों का सामना राहें बना लिया करता था, अब के इंसान ऐसा है। देखिए आप, यहां पहले के इंसान से हम आज वर्तमान के इंसान तक पहुंचने की मैं कोशिश कर रहा हूं। साथ दें, सुने कि अब के इंसान वो इंसान नहीं जो बाधाओं झेला करता था, करके मुश्किलों का सामना, करके मुश्किलों का सामना अपनी राहें बना लिया करता था, अब के इंसान ऐसा है, अब के इंसान ऐसा है जो दुख बांटा करता है, अब के इंसान ऐसा है जो दुख बांटा करता है, रहकर अपनों की आस्तीन में, रहकर अपनों की आस्तीन में उन्हें ही काटा करता है, रहकर अपनों की आस्तीन में उन्हें ही काटा करता है। अगली लाइन है, अब के इंसान वो इंसान नहीं जो सच को पूजा करता था, अब के इंसान वो इंसान नहीं जो सच को पूजा करता था, करके प्रतिज्ञा दुश्मन से भी प्राणों को संकट में डाला करता था, करके प्रतिज्ञा दुश्मन से भी प्राणों को संकट में डाला करता था, अब के इंसान ऐसा है जो झूठ का खेल खेला करता है, अब के इंसान ऐसा है जो झूठ का खेल खेला करता है, जिसका सहारा है उसे, जिसका सहारा है उसे उसी की बैसाखियां छीना करता है, जिसका सहारा है उसे उसी की बैसाखियां छीना करता है, अब के इंसान वो इंसान नहीं जो घावों को भरा करता था, अब के इंसान वो इंसान नहीं जो घावों को भरा करता था, समझकर जख्मों को मरहम भी किया करता था, समझकर जख्मों को मरहम भी किया करता था, अब के इंसान ऐसा है, अब के इंसान ऐसा है
जो बारूद के ढेर पर बैठा करता है। अब के इंसान ऐसा है जो बारूद के ढेर पर बैठा करता है, आड़ लिए मजहब की, आड़ लिए मजहब की जिंदगियों को बेचा करता है, आड़ लिए मजहब की जिंदगियों को बेचा करता है। अब के इंसान वो इंसान नहीं जो शांति पथ चला करता था। अब के इंसान वो इंसान नहीं जो शांति पथ चला करता था, रहकर अहिंसा बंधन में मान बढ़ाया करता था, रहकर अहिंसा बंधन में मान बढ़ाया करता था। अब के इंसान ऐसा है। आज वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आप देख रहे हैं, कहीं जगह कहीं देश एक दूसरे से युद्ध करने को आतुर हैं। उसी को लेकर एक छोटी सी बात है कि अब के इंसान ऐसा है जो शांति के लिए युद्ध किया करता है। अब के इंसान ऐसा है जो शांति के लिए युद्ध किया करता है और शांति दूत के रूप में लड़ाकों को भेजा करता है, शांति दूत के रूप में लड़ाकों को भेजा करता है। अब के इंसान वो इंसान नहीं जो ज्ञान फैलाया करता था, अब के इंसान वो इंसान नहीं जो ज्ञान फैलाया करता था, बनकर ज्ञान कुंज समग्र आलोकित किया करता था। अब के इंसान ऐसा है जो किताबों में जिया करता है, अब के इंसान ऐसा है जो किताबों में जिया करता है, पाकर लक्ष्मी। ध्यान दीजिएगा कि अब के इंसान ऐसा है जो किताबों में जिया करता है, पाकर लक्ष्मी सरस्वती को लजाया करता है, पाकर लक्ष्मी सरस्वती को लजाया करता है। अब के इंसान वो इंसान नहीं जो धर्म निभाया करता था, क्षण प्रति क्षण धर्म को संकट से उभारा करता था, क्षण प्रति क्षण धर्म को संकट से उभारा करता था। अब के इंसान ऐसा है जो निज स्वार्थ धर्म किया करता है, अब के इंसान ऐसा है जो निज स्वार्थ धर्म किया करता है, त्याग कर निष्ठा धर्म को संकट में डाला करता है, त्याग कर निष्ठा धर्म को संकट में डाला करता है। अब के इंसान ऐसा है जो सेवा में तत्पर रहता है, जाकर परे दरिद्रता से निज कर्म किया करता है, जाकर परे दरिद्रता से निज कर्म किया करता है। अब के इंसान ऐसा है जो दरिद्रता से परे रहता है, जो दरिद्रता से परे रहता है। और कहां अब कृष्ण सुदामा को पहचाना करता है, अब के इंसान ऐसा है जो युद्ध जिताया करता था, देकर प्राणों की आहुति देश बचाया करता था। अब के इंसान ऐसा है जो चौहान नहीं जय चंद बना करता है, बनाता झूठी जंग की गाथा और मेडल जीता करता है। अब के इंसान वो इंसान नहीं जो बचपन सहलाया करता था। देकर संस्कार यथा समय प्रतिभावान बनाया करता था। अब के इंसान ऐसा है जो बचपन को उर्वरक दिया करता है, लाद कर प्रतिभा असमय रिकॉर्ड बुकों में नाम लिखवाया करता है। ये छोटा सा प्रयास था मेरा कि किस प्रकार से इंसान की प्रकृति, उसकी संस्कृति और उसके संस्कारों में कालांतर में परिवर्तन आया है। रिश्तों के ऊपर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज
रिश्ते आत्मबुद्ध हो गए हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं, तो किस प्रकार के परिवर्तन आज हम रिश्तों में देखते हैं। हो सकता है हमारे साथ ही ऐसा हुआ हो, मित्रता में, प्रेम में, या किसी भी पारिवारिक रिश्ते में। तो छोटी सी एक और रचना है, प्रयास किया है, आशीर्वाद दें कि वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है। वक्त वक्त की बात है, तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है। हामी तेरी आगाज मेरा था, हामी तेरी आगाज मेरा था, मुकरना तेरा कयामत मेरी। हामी तेरी आगाज मेरा था, मुकरना तेरा कयामत मेरी। फिर क्यों आज तू उसके साथ है, फिर क्यों आज तू उसके साथ है। क्या थी दुनिया और क्या खुशियां, क्या थी दुनिया और क्या थी खुशियां, जानता है तू भी, जानता हूं मैं भी। क्या थी दुनिया और क्या थी खुशियां, जानता है तू भी, जानता हूं मैं भी। फिर क्यों आज टूटने की मुद्दत तुझे बार बार है, फिर क्यों आज टूटने की मुद्दत तुझे बार बार है। तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है, तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है। क्या था सुकून, क्या था सुकून और क्या आराम, क्या था सुकून और क्या था आराम। जानती ये दुनिया भी है, कोई भी रिश्ता होता है तो समाज दुनिया के सामने होता ही है, सब कुछ उनके सामने होता है, और ये चीज जब टकराव होता है, अलगाव होता है, तो वो भी इस चीज को भली भांति समझते हैं। वही चीज मैंने इन पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है, आशीर्वाद दें। क्या था सुकून और क्या था आराम, जानती ये दुनिया भी है, फिर क्यों आज इस सुंदर से कानन में, फिर क्यों आज इस सुंदर से कानन में, दावा नल सा उबाल है, दावा नल सा उबाल है। तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है, तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है। टूटने की जिद रिश्तों को है, जुड़ने की मशक्कत फिर हमको भी है। टूटने की जिद रिश्तों को है, जुड़ने की मशक्कत हमको भी है। फिर क्यों आज इस शांत उजले सागर में, फिर क्यों आज इस शांत उजले सागर में। विद्रोह है, दूरियों का राग है, तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है। हाँ हाँ ये वक्त वक्त की बात है, तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है, तू कभी मेरे तो कभी उसके साथ है। ये छोटी सी रचना थी, प्रयास किया, आशीर्वाद दें। अगली जो कविता है वो शायद पूरे विश्व के लिए, सभी कला प्रेमियों, हिंदी के लिए बहुत ही व्यापक और समग्र विषय है, प्रेम। प्रेम वास्तव में एक बहुत ही व्यापक और समग्र विषय है, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। संयोग वियोग, खींच समर्पण, ये सारी चीजें आप प्रेम में देखते होंगे। एक चीज और होती है तड़प, किसी को पाने की, किसी को जो चाहने वाला होता है वो किसी को पाना भी चाहता है, उसमें एक तड़प होती है, और इसी तड़प को मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। साथ दें, सुने, आशीर्वाद दें। सुनता कहाँ है वो, सुनता कहाँ है वो, हजारों लाखों बार, सुनता कहाँ है वो, हजारों लाखों बार कहा है मैंने। सुनता कहाँ है वो, हजारों लाखों बार कहा है मैंने, पर
नजरें मिलाता कहाँ है वो, पर नजरें मिलाता कहाँ है वो। अब देखिए आप, सुनता भी नहीं है, नजरें भी नहीं मिलाता है, फिर भी मैंने हजारों लाखों बार कहा है। आगे देखिए, तफ्तीश जारी है मेरी, तफ्तीश जारी है मेरी, ढूंढ ही लूंगा, तफ्तीश जारी है मेरी, ढूंढ ही लूंगा पेचीदा सही, तफ्तीश जारी है मेरी, ढूंढ ही लूंगा पेचीदा सही, पर रूबरू होता कहाँ है वो, पर रूबरू होता कहाँ है वो। कोशिशें तमाम है मेरी, कोशिशें तमाम है मेरी, हार काफी है, कोशिशें तमाम है मेरी, हार काफी है या मर जाऊं, हार काफी है या मर जाऊं, पर लड़ता झगड़ता कहाँ है वो, पर लड़ता झगड़ता कहाँ है वो। आजमा, देखिए आप, कोशिश है कि एक बार मुझे आजमाए, तो उसी को लेकर ये, आजमा एक बार मुझे, आजमा एक बार मुझे, खरा पाक साफ मान जो चाहे, आजमा एक बार मुझे, खरा पाक साफ मान जो चाहे मुझे, पर खुशी रहता कहाँ है वो, पर खुशी रहता कहाँ है वो। सारी कोशिशें यहाँ पर करी, अब इसी बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि किसी ने किसी को अनदेखा किया और एक अलग ही जो प्रेम में खींच की भावना होती है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे से पहचान नहीं पाता है और उसको लेकर कई तरह के भावनाएं, कई तरह की धारणाएं बना ली जाती है, उसी को इसी क्रम में मैं आगे लेना चाहता हूं। जो भी मैंने आपको सुनता कहा है वो इसी से आगे ले जाना चाहता हूं कि कभी नजर भी ना मिलाई, कभी नजर भी ना मिलाई देखा नहीं, कभी नजर भी ना मिलाई देखा नहीं और जान भी गई, कभी नजर भी ना मिलाई देखा नहीं और जान भी गई। थोड़ा सब्र तो रख, थोड़ा सब्र तो रख, तू कोई सावन की पुहार तो नहीं, थोड़ा सब्र तो रख, तू कोई सावन की पुहार तो नहीं। अब आगे देखिए, किसी को पाने की चाह न तो समय देखती है न परिस्थितियां देखती है, वो एक लक्ष्य होता है जिस पर उसका ध्यान बंधा हुआ सा रहता है। तो यही बात इन आगे की कुछ चंद लाइनों में है। एक उम्र गुजरी है, एक उम्र गुजरी है दीदार को तेरे, एक उम्र गुजरी है दीदार को तेरे, एक टक हूं, एक टक हूं दो चार बार ही सही, एक उम्र गुजरी है दीदार को तेरे, एक टक हूं दो चार बार ही सही, निकल तो सही दो चार बार ही निकल तो सही, तू कोई ईद का चांद तो नहीं, तू कोई ईद का चांद तो नहीं, मत चल साथ मेरे, मत चल साथ मेरे छोड़ दे दामन, मत चल साथ मेरे छोड़ दे दामन थाम ले किसी और को, कि मत चल साथ मेरे छोड़ दे दामन मेरा थाम ले किसी और को, जला मुझे तोड़ दे, कि जला मुझे तोड़ दे, लाखों हैं कुसी, लाखों हैं कुसी तेरे भी, लाखों हैं कुसी तेरे भी, तू कोई आवारा यतीम तो नहीं, तू कोई आवारा यतीम तो नहीं। धन्यवाद। ये प्रेम बहुत ही व्यापक और समग्र विषय, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, और आप सब विद्वान लोग जो मुझे आज आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे पहले
काव्य पाठ भर में उन सबका बीच में एक बार और धन्यवाद उनको प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं कमेंट्स में, धन्यवाद बहुत बहुत। और अगली जो है वो वर्तमान में मानव जो भौतिकता को ज़्यादा तवज्जो देने लगा है, सब कुछ उसे मिल चुका है या वो पाने की कोशिश में है, जद्दोजहद में है, लेकिन वो उसे मिल नहीं पा रहा है। और उसे सब कुछ होते हुए भी एक अलग ही खालीपन का एहसास उसे होता है। उसी को लेकर मैं एक और छोटी सी रचना आशीर्वाद दें, सुने, सराहें, कमेंट्स में आप मुझे, मैंने पहले बताया था कि चाहे प्रशंसा का पिटारा हो या आलोचनाओं का अंबार, मैं उसे सहजता से स्वीकार करूंगा। आप कमेंट्स करें, उन्मुक्तता दिखाएं, स्वच्छंदता दिखाएं, ताकि भविष्य में मैं आपके साथ और अच्छे तरीके से मैं आपसे जुड़ पाऊं। धन्यवाद। अगली ये जो आज हर चीज मिली है, खालीपन है, उसी को लेकर चंद लाइन, चंद पंक्तियां हैं, आशीर्वाद दें। समेट लिया है सब कुछ फिर भी, समेट लिया है सब कुछ फिर भी, सब बिखरा सा लगता है। समेट लिया है सब कुछ फिर भी, सब बिखरा सा लगता है। अतरंगी है सपने सारे, अतरंगी है सपने सारे, रंग कहीं नहीं दिखता है। अतरंगी है सपने सारे, रंग कहीं नहीं दिखता है। जोड़ लिए हैं सभी नाते, जोड़ लिए हैं सभी नाते फिर भी, जोड़ लिए हैं सभी नाते फिर भी, सब टूटा सा लगता है। जोड़ लिए हैं सभी नाते फिर भी, सब टूटा सा लगता है। जीता हूं जब भी लड़ा मैं, जीता हूं जब भी लड़ा मैं, हताश हारा सा लगता है। जीता हूं जब भी लड़ा मैं फिर भी, हताश हारा सा लगता है। मीलों चला थका नहीं मैं, मीलों चला थका नहीं मैं, थमा रुका सा लगता है। देखिए आप सब चीजों में एक द्वंद आपको दिख रहा होगा। समेट लिया है सब कुछ फिर भी, सब बिखरा सा लगता है। जोड़ लिए हैं सभी नाते फिर भी, सब टूटा सा लगता है। तो यही चीज आज हमारे साथ या हमारे साथियों, मित्रों, मिलने वाले शुभचिंतकों के साथ है। सब कुछ कर भी, सब कुछ पाकर भी एक अलग ही कोना है खाली सा, जिसमें वो अपने आप को पाता है हर बार कुछ करने के बाद भी। ये चीज है, मीलों चला थका नहीं मैं, मीलों चला थका नहीं मैं फिर भी, थमा रुका सा लगता है। रोशन है, ये देखिए आप, रोशन है जगमग है जीवन, रोशन है जगमग है जीवन फिर भी, रोशन है जगमग है जीवन फिर भी, तम छाया सा लगता है। अब देखिए आप, ये है बात। अब मैं इन सभी हताश, निराश, आत्मविश्वास को खो चुके लोगों को इससे आगे एक उनको उत्तर देना चाहता हूं इन पंक्तियों का, जो ये है कि डरा नहीं हूं झुका नहीं हूं, डरा नहीं हूं झुका नहीं हूं, अभी तक पद से डिगा नहीं हूं। डरा नहीं हूं झुका नहीं हूं, अभी तक पद से डिगा नहीं हूं। हूं लबरेज भरा हुआ भी, हूं लबरेज भरा हुआ भी, अभी तक मैं छलका नहीं हूं। हूं लबरेज भरा हुआ भी, अभी तक मैं छलका नहीं हूं। ये आत्मविश्वास अगर इंसान किसी के पास हो तो ये खालीपन भी नहीं होगा और कोई कमी भी नहीं होगी, और हर लक्ष्य, हर चाह जो उसकी होगी वो उसे जरूर मिलेगी, उसे प्राप्त होगी। कि हूं लबरेज भरा हुआ भी, अभी तक मैं छलका नहीं हूं, है चिंगारी बाकी मुझ में, है चिंगारी बाकी मुझ में, अभी तक खुशी बुझा नहीं हूं, अभी तक खुशी बुझा नहीं हूं। धन्यवाद, आशीर्वाद दें। और मैं एक बार समय देखना चाहूंगा कि
कितना समय मेरे पास है अब। आज भाई दूज है, हम सब ने कलाई पर, ललाट पर बहन से आशीर्वाद लिया है, आप सभी ने लिया होगा। तो एक आज का अंतिम ये मेरी रचना है आज के लिए, भविष्य के लिए नहीं। मुझे आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है और हो सकता है कि मैं आपके साथ फिर भविष्य में इसी मंच के द्वारा देवेंद्र जी जोशी सर, अंशुल जी सर, इन सबका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहा तो आगे भी आप सबके साथ मैं यूं ही जुड़ा रहूंगा। तो आज की अंतिम मेरी रचना है जो आज भाई दूज हम सभी ने मनाई है। अब आप सोचिए, बहन है तो भाई दूज है, और बहन है तो तभी हम भाई हैं। तो आज देहाती में, देहात वर्ग में, गांव में या छोटे कस्बों में जिस प्रकार से बेटी के लिए कठिन परिस्थितियां हैं, उसको लेकर कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आप सबको समर्पित करना चाहूंगा। उन सभी बेटियों और उन सभी अभिभावकों को मैं समर्पित करना चाहता हूं कि वो चीज को समझें, देखें और बेटियों को भी आगे आने के लिए प्रेरित करें। कलम जिसकी थी प्रिय सहेली, कलम जिसकी थी प्रिय सहेली, उसे अब झाड़ू पकड़ाया गया है। कलम जिसकी थी प्रिय सहेली, उसे अब झाड़ू पकड़ाया गया है। प्रथम बारिश सी कोमल बूंद को, प्रथम बारिश सी कोमल बूंद को बेवजह व्यर्थ बहाया गया है, बेवजह व्यर्थ बहाया गया है। कलम बिना, देखिए आप सभी अध्यापक जो वर्ग है यहाँ पर काफी मौजूद है मैं देख रहा हूँ, तो उनको पता है कि किस प्रकार से जो हमारे विद्यालय में जो बच्चियाँ आती हैं उनको घर किसी काम की वजह से, खेत पर काम की वजह से कहीं बार रोका जाता है। तो उसी को लेकर मैंने ये आगे की लाइन है, कलम बिना असहाय वो, कलम बिना असहाय वो बाढ़ विस्थापित सी लगती है, कलम बिना असहाय वो बाढ़ विस्थापित सी लगती है। माँ बाप की जुगत यह है, माँ बाप की जुगत यह है कि वो अनाथ सी लगती है। देखो सब बच्चों का स्कूल आना और किसी एक लड़की का घर पर रुकना अखरता है। विद्यालय अलग चीज होती है, घर अलग चीज होती है, दोनों के काम में कोई समानता भी नहीं है। तो यही है कि माँ बाप की जुगत यह है कि वो अनाथ सी लगती है, लगता है उसे अनाथ होने सा जैसा कि मैं अनाथ हूँ, मैं यहाँ हूँ और बच्चे स्कूल हैं, मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं। और कलम नहीं, देखिए आप उसी को मैं आगे ले रहा हूँ, कलम नहीं बचपन भी छीना, कलम नहीं बचपन भी छीना, हाँ ये रखवाले ने अपनाया है। कलम नहीं बचपन भी छीना, ये रखवाले ने अपनाया है। खुशहाल खेत की हरियाली को, खुशहाल खेत की हरियाली को बेवजह, खुशहाल खेत की हरियाली को इन्होंने स्वार्थवश झुलसाया है, इन्होंने स्वार्थवश झुलसाया है। दुख अवसाद, दुख अवसाद साथी इसके, दुख अवसाद साथी इसके यातनाओं की अब प्रचुरता है, दुख अवसाद है साथी इसके याचनाओं की अब प्रचुरता है। सोचो सोचो पालनहारो बिटिया तुम्हारी, सोचो पालनहारो बिटिया तुम्हारी, फिर क्यों इतनी यह क्रूरता है, फिर क्यों इतनी यह क्रूरता है। धन्यवाद आप सबने मेरे प्रथम पहले काव्य पाठ पर जो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सुबह सवेरा होता है उससे पूर्व एक नया जीवन अंगड़ाई लेता है, उसी अंगड़ाई को, उसी नव संचार को जो सूर्य की प्रथम किरण से पूर्व सवेरे के साथ, भोर के साथ हमारे सबके सामने प्रस्तुत होता है,
प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन वो लेकर आता है, कई कई सारे जो रात भर के रहस्य होते हैं उनका अंत करता है, उसी को लेकर एक छोटी सी रचना है। मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे, सवेरे के लिए कहा गया है, भोर के लिए कहा गया है। मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे जीवन की इन विकट राहों में, जीवन की इन विकट राहों में पुलकित करता यह पवित्र सवेरा, पुलकित करता यह पवित्र सवेरा, स्वागत तुम्हारा, स्वागत तुम्हारा प्रकृति के सजग चितेरों की जुगलबंदी में, स्वागत तुम्हारा प्रकृति के सजग चितेरों की जुगलबंदी में। मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे, मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे, काल कल्वित होती सबिये, रात के लिए कहा है, काल कल्वित होती सबिये ओस की बूंदों का अर्पण। देखिए आप सुबह का, आज ही सुबह आपने देखा होगा मेरे आसपास के जो मित्र हैं उन्होंने कि बारिश हुई कल, ओस गिरी, तो वही चीज है, सुबह सुबह का मौसम आप याद करिए कि ओस की बूंदों का अर्पण और विजय गान करती पवन जब, ओस की बूंदों का अर्पण और विजय गान करती जब, विजय गान करती पवन जब साथ लेकर विपुल पुनितता। मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे, मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं मैं, रहा हूं, तो हिंदी के काफी क्लिष्ट शब्द हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन यही हिंदी है, इसका अलग ही मजा है, आप सुने आनंद लें। पल प्रतिपल भंवरों का गुंजन, पल प्रतिपल भंवरों का गुंजन संग मुकुलों का निमंत्रण तुमको, पल प्रतिपल भंवरों का गुंजन संग मुकुलों का निमंत्रण तुमको, श्री शुरुआत, श्री तुम्हारा मंगल आरतियों से, श्री तुम्हारा मंगल आरतियों से होती इति सन्नाटे की तुमसे, होती इति सन्नाटे की तुमसे मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे, मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे। अनंत रहस्यों की, देखिए आप रात भर में कहीं रहस्य प्रकृति बनाती है और भोर के समय में वो रहस्य किस प्रकार से खत्म होते हैं। अनंत रहस्यों की परिणति हुई, अनंत रहस्यों की परिणति हुई सीप के मोती सी, सीप के मोती सी तुम प्रस्तुत हुई, अनंत रहस्यों की परिणति हुई सीप के मोती सी तुम प्रस्तुत हुई। अब देखिए आप भोर के समय, अब स्वागत आतुर है धेनु समूह, अब स्वागत आतुर है धेनु समूह है जो करती प्रथम आलिंगन तुमसे, जो करती प्रथम आलिंगन तुमसे। मेरा मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे, मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे। अलसाई थी, अब सुबह के लिए सूर्य की किरण पहुंचने वाली है तो उसके लिए, अलसाई थी, अलसाई थी अब जागृत हो तुम, अलसाई थी अब जागृत हो तुम, अंगड़ाई लो, अंगड़ाई लो अब नव यौवना हो तुम, अंगड़ाई लो अब नव यौवना हो तुम, क्योंकि क्योंकि निहार रहा है मेघ मध्य से, क्योंकि निहार रहा है मेघ मध्य से प्रकृति का अटल प्रकाशक तुमको, प्रकृति का अटल प्रकाशक तुमको। मेरा मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे, मेरा प्रथम उद्घाटन तुमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन सरोकार मंच टोंक, देवेंद्र जी जोशी सर, इन सबका हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच में, जो अपने आप में अत्यंत ही विलक्षण और विरला है, जहाँ पर पूरे भारत ही नहीं बाहर से भी काफ़ी कला और संगीत संस्कृति से संबंधित जो कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी सारी प्रस्तुतियाँ दी है, उनके बीच में मेरा पहला काव्य पाठ हुआ है। मैं वास्तव में ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ।
और एक बार और मैं जन सरोकार मंच को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते रहें, नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास, नई रचनाओं के साथ मैं आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हो सकूं। इसी के साथ साबार खुशी प्रवीण पारिक, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार, धन्यवाद।